चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र के बहुत ही अनमोल और अद्भुत ज्ञान के बारे में बताएंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर में रहते हैं अगर अक्सर बीमार, कहीं इसके लिए आपके घर का वास्तु तो जिम्मेदार नहीं। दोस्तों, आजकल की दुनिया में कोई भी चीज स्वच्छ नहीं है जिससे हजार तरह की बीमारियां शरीर को लगती है। इन सब से बचने के लिए कई उपाय करते हैं लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आता है। अगर परिवार का कोई सदस्य लगातार बीमार बना रहता है तो दोस्तों इसके लिए कई बार वास्तुदोष भी जिम्मेदार हो सकता है। अगर आपके घर पर इस तरह का वास्तुदोष है तो उसे तुरंत दूर करें या फिर कोई उपाय करके इसके प्रभाव को भी खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कमियों और उनके दूर करने के उपाय बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर के सामने कोई पेड़ या खंभा लगा है तो इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। दोस्तों, अगर पेड़ या खंभे को हटा नहीं सकते हैं तो घर के मेन गेट पर हर रोज स्वास्तिक बनाएं और पूजा करें। दोस्तों, यदि आपके घर में कांटेदार या फिर सूखे पौधे लगे हैं तो उनको तुरंत हटा दें। ऐसा होने पर बुजुर्गों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है और घर के आग्नेय कोण में हर रोज लाल रंग की मोमबत्ती जलाएंगे तो घर के लोगों का स्वास्थ्य सही रहता है। दक्षिण और पूर्व के मध्य का कोणीय स्थान आग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आगे कहते हैं कि घर के मेन गेट के सामने गंदा पानी, कीचड़ या फिर गंदगी इकट्ठी हो जाती है या फिर गेट के सामने गड्ढा है तो ऐसे में घर में बीमारियों का निवास रहता है। इसके लिए तुरंत गड्ढे को भर दें या गंदगी को हटा दें, तभी आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। दोस्तों, वास्तु विज्ञान के अनुसार अगर आपका रसोई आग्नेय कोण में स्थित नहीं है तो ऐसे घर में परिजन अक्सर बीमार रहते हैं। आग्नेय कोण का स्थान अग्नि देवता का प्रमुख स्थान है, इसलिए रसोईया अग्नि संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आग्नेय कोण में ही रखना चाहिए, ये इनका विशेष स्थान होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बीचों बीच कोई भारी भरकम फर्नीचर या फिर कोई सामान रखा है तो उसे आज ही हटा दीजिए। वास्तुशास्त्र में इस जगह को ब्रह्मस्थान माना गया है और ब्रह्मस्थान को सदैव खाली रखना चाहिए। साथ ही ध्यान दें कि जिस दिशा में वॉशिंग मशीन या फिर शौचालय हो तो उस दिशा में सिर रखकर कतई न सोएं। और दोस्तों, लास्ट में वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि कभी भी पूजा स्थल मेन गेट के ठीक सामने ना हो, ऐसा होने पर घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता है, इससे सकारात्मक ऊर्जा की कमी रहती है। साथ ही घर में भगवान का चित्र ऐसे लगाएं कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, इससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको वास्तुशास्त्र का ये ज्ञान और ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।